ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अभी हमने स्टैक के बारे में बात की, स्टैक क्या होता है, कैसे कार्य करता है और कौन सा मेथड फॉलो करता है, इसके बारे में हमने सारी बात की, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि स्टैक का क्या कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या ऑपरेशन होते हैं, उसके बारे में भी हमने बात बताया कि स्टैक क्या हुआ। ऑपरेशन में हमने बताया उसको पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन और पिप ऑपरेशन में हमने बता रखा है, ठीक है। जिसका मतलब आज जानते हैं अच्छे तरह कि पुश ऑपरेशन का काम क्या होता है, एड द एलिमेंट इन स्टैक होता है, ओके। और उसी के साथ पॉप ऑपरेशन का यूज करते हैं हम, रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। और पिप ऑपरेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या मतलब होता है, डिस्प्ले द एलिमेंट ऑफ द स्टैक, ठीक है। ये तीनों ऑपरेशन जो होते हैं हमारे स्टैक के होते हैं, ये बखूबी आप अपने दिमाग में रखिए और याद रखिए, ठीक है। तो अब क्या होता है, इतना होने के बाद जब हमने स्टैक के बारे में पढ़ लिया और उसके ऑपरेशन के बारे में हमने जान लिया, समझ लिया, तो हम अब आगे बढ़ते हैं और स्टैक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। स्टैक टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ नंबर ऑफ फंक्शन दिए गए हैं जिनका उपयोग हम स्टैक को बनाने में, तरह तरह के फंक्शन को क्रिएट करने में इनका उपयोग करते हैं, जो हमें स्टैक में डेटा एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, उनको एक ऑर्डर लिस्ट में अरेंज करके उसे शो करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। मेनली यह कह सकते हैं कि स्टैक को बनाने के लिए हमें इन फंक्शन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टैक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ स्टैक टर्मिनोलॉजी जो है हमने बता रखा है, कॉन्टेक्स्ट, स्टैक फ्रेम, मैक्साइज, स्टॉप, स्टैक और इसके अलावा भी होता है स्टैक अंडरफ्लो और स्टैक ओवरफ्लो, जो आगे अभी हम उसको भी इसमें मेंशन करते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये हमारी स्टैक को, फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें हमारे द्वारा दिए गए डेटा या वेरिएबल्स, उन सबको क्या करता है, उनके लिए एक वातावरण, एक एन्वायरमेंट जनरेट करता है जो उसे सपोर्ट कर सके, उसके बारे में ये हमें बताता है। अभी हम इस पर फिर से आते हैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक बार ओवरव्यू देते हैं इन पर। फिर उसके बाद बारी आती है स्टैक फ्रेम्स की। स्टैक फ्रेम्स, स्टैक फ्रेम्स कर क्या रहा है, ये जितने भी डेटा या फंक्शन होते हैं, ठीक है, उनको स्टैक में या स्टैक के डेटा स्ट्रक्चर में होल्ड करने के लिए एक ही समय में ये प्रोसेस या फंक्शन को परफॉर्म करने का जो तरीका होता है उसे हम फ्रेम्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने स्टैक फ्रेम्स के बारे में बता दिया। देन कॉमनली इसी के साथ हम साइज की बात करते हैं, मैक्स साइज। मैक्स साइज का मतलब है कि जैसे हम किसी भी स्टैक लेते हैं या कंटेनर, तो ये हमें डिसाइड करना है कि उसमें हमें कितना डेटा होल्ड कराना है, ठीक है। तो वो हमें ये डिसाइड करके बताता है उसकी साइज के अकॉर्डिंग। तो जो साइज हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसी साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को इसमें होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ आगे हमने जो पॉइंट बताया, टॉप, टॉप हमारे कंडीशन क्या बताएगा, हमारे स्टैक की टॉप ऑफ स्टैक की कंडीशन बताएगा, जिसे हम यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ टॉप किसको बता रहा है, टॉप ऑफ स्टैक को। तो टॉप ऑफ स्टैक बताने का मतलब क्या है, जैसे एक कंटेनर है हमारा, उस कंटेनर में जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाते हैं तो हमें ये बताएगा कि ये जो हमारा एलिमेंट है कितने नंबर ऑफ पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो जैसे जैसे ये नंबर ऑफ पोजीशन इसकी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा टॉप भी इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है। ये टॉप की बात हो गई। देन स्टैक की बात हो गई।
स्टैक बिल्कुल एरे की साइज की मैक्सिमम साइज की तरह ही इसे बताया जा सकता है। स्टैक क्या बता रहा है, एरे की साइज को यहाँ पे क्या करेगा, बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक प्रॉपरली जो डिफिनेशन हमने यहाँ पे इनके लिए दिया है उससे रिलेटेड इस पर बात करते हैं और इसको समझाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्टैक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। स्टैक टर्मिनोलॉजी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, द एनवायरनमेंट इन विच अ फंक्शन एग्जीक्यूट। अब यहाँ ये कह रहा है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। और आगे हमने डैश करके यहाँ पे बताया, इंक्लूड्स आर्गुमेंट्स वैल्यू लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। कहने का मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, किसमें, कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या क्या चीज़ें यूज कर रहे हैं जो हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है जिसमें हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। आर्गुमेंट्स वैल्यू है जिसे हम डेटा कह सकते हैं, लोकल वेरिएबल हो गए और ग्लोबल वेरिएबल हो गए, ठीक है, ये सब इस फंक्शन में क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टैक फ्रेम्स है। ठीक है, स्टैक फ्रेम, स्टैक फ्रेम्स के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे है द डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑल द डेटा। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो डेटा स्ट्रक्चर है वो जो भी डेटा है उन सभी डेटा को अपने पास होल्ड कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं उनकी हम बात करते हैं। आर्गुमेंट्स है लोकल वेरिएबल, रिटर्न एड्रेस एटीसी, मतलब और भी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो आर्गुमेंट्स का मतलब हो गया हमारा डेटा, लोकल वेरिएबल, रिटर्न एड्रेसेस, ये सारी चीज़ें किसमें आ रहे हैं, डेटा फ्रेम को सपोर्ट करने या कंसीम। अब यहाँ पे देखिए आगे हमने दिया, नीडेड ईच टाइम अ प्रोसीजर और फंक्शन इज कॉल्ड फ्रेम। यानी कि हर एक बार जो फंक्शन परफॉर्म करेगा या प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर या फंक्शन के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे डेटा आर्गुमेंट्स लोकल वेरिएबल रिटर्न एड्रेस की, इसकी आवश्यकता फ्रेम को पड़ेगी जिसे हम फ्रेम कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कॉन्टेक्स्ट स्टैक फ्रेम। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे पास है मैक्स साइज। क्या है, मैक्स साइज। अब मैक्स साइज की अगर हम बात करते हैं तो मैक्स साइज में हमारे पास, हम ये कह रहे हैं दिस टर्म इज नॉट अ स्टैंडर्ड, यानी यह एक स्टैंडर्ड टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्स साइज की हम बात करते हैं। मैक्स साइज में हमने ये लाइन दिया, दिस टर्म इज नॉट स्टैंडर्ड वन, रैदर इट इज यूज्ड टू रिफर टू द मैक्सिमम साइज ऑफ स्टैक। कहने का मतलब क्या है, एक स्टैंडर्ड टर्म ये नहीं है, रैदर विकास ये कह सकते हैं आगे उसकी अपेक्षा, इट इज यूज, इसका उपयोग मैक्सिमम साइज स्टैक की मैक्सिमम साइज को क्रिएट करने या रिफर करने के या बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी ये कह सकते हैं मैक्स साइज कीवर्ड्स का कि स्टैक की जो मैक्सिमम साइज होती है उसको बताने के लिए या करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा मैक्स साइज। अब इसी के साथ हम बात करते हैं टॉप की। टॉप हमारा जो है ये स्टैक के जो एलिमेंट्स होता है जिस तरह वो इंक्रीमेंट करता है उसी टॉप को ये हमें बताता है। तो स्टैक में ये टॉप की क्या बात है, यहाँ पे इसको देखते हैं। इसको ये कहा जा सकता है कि दिस टर्म रिफर टू द टॉप ऑफ स्टैक। क्या कर रहा है, यह जो टर्म है ये टॉप ऑफ स्टैक को रिफर करता है या बताता है जिसे हम शॉर्ट में टॉस कहते हैं, TOS। TOS का मतलब होता है टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, टॉप ऑफ स्टैक।
तो इसी के साथ आगे और है, दिस स्टैक टॉप इज यूज टू चेक स्टैक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन। तो ये टॉप जो होता है, टॉप ऑफ स्टैक क्या करता है, यह स्टैक के टॉप को चेक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि स्टैक हमारा जो है ओवरफ्लो हो रहा है या अंडरफ्लो हो रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब यह है कि ये बता रहा है कि ये हमें टॉप ऑफ स्टैक को चेक करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। ये यह चेक करता है कि स्टैक हमारा ओवरफ्लो है या अंडरफ्लो है, इसको ये चेक करता है। इसी के साथ यहाँ पे स्टैक जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, ये बता रहा है कि जो स्टैक ये होता है यह एक एरे की मैक्सिमम साइज को बताता है। इसकी अगर हम बात करते हैं टॉस ऑफ स्टैक की, तो ये क्या कर रहा है, स्टैक को ओवरफ्लो हो रहा है या अंडरफ्लो है, ये कैसे किया है बताएगा यहाँ पर। इस बात को यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चीज़ों को दर्शाते हैं और बताते भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि किस तरह से स्टैक को हम ये चेक कर सकते हैं कि स्टैक हमारा ओवरफ्लो हो रहा है या फिर अंडरफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्टैक है, मान लीजिए ये क्या है, एक स्टैक है, ठीक है। अब ये स्टैक है और स्टैक में हमने ये डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और स्टैक में मान लीजिए हमने यहाँ पे एलिमेंट्स इंटर करते जा रहे हैं, एलिमेंट्स इंटर करते जा रहे हैं, एलिमेंट्स इंटर, तो ये देखिए हमारा ये क्या हो गया, कंप्लीट ये क्या हो गया, स्टैक हो गया, क्या है, स्टैक है। तो जो हमने यहाँ पे ये स्टैक बताया, स्टैक में हमने 5 साइज बताए और इसमें 5 एलिमेंट्स बताए, इसकी हम साइज भी यहाँ पे दे सकते हैं, इसको हम बता देते हैं साइज ऑफ स्टैक 5, ठीक है। अब जब इसकी बात आएगी, अब कोई और एलिमेंट यहाँ पे अगर हम इंसर्ट करते हैं या एडेड एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए हमने यहाँ पे 55 ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, चेक द स्टैक, चेक द स्टैक इज ओवरफ्लो और अंडर फ्लो, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम ये हमारा स्टैक है इसमें हमने ये एलिमेंट्स इंसर्ट कर रखे हैं और एक नया एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या चेक करेगा, हमारे स्टैक को चेक करेगा कि हमारा स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है या अंडरफ्लो हो रहा है। अगर इफ स्टैक इज फुल, ठीक है, इफ स्टैक इज फुल सो स्टैक इज ओवर फ्लो। यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर हमारा स्टैक फुल होता है तो क्या होगा, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो होगा, क्या होगा, ओवरफ्लो। मतलब ये कि ये एलिमेंट्स जो है 55 इसमें इंसर्ट नहीं कर सकता, इसको हम ये कह सकते हैं कैन नॉट इंसर्ट या ऐड, ठीक है, ओके। ये हो गया किस केस में, ये हमारा स्टैक जो फुल रहेगा। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो स्टैक है वो अंडरफ्लो कंडीशन में अगर चलता है तब क्या बताया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अंडरफ्लो की बात अगर चलती है तो ये क्या बताएगा, स्टैक इज
एम्प्टी एंड टॉप इज बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन हमने दे रखी है। तो जब भी कोई एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं तो पहला तो अगर हमारा ये एलिमेंट फुल है, टॉप हमारा एक साइज फुल है, इसमें साइज उससे अधिक नहीं आ सकता, तब अगर किसी भी एलिमेंट को इसमें हम ऐड करते हैं तब हमारा स्टैक जब चेक होगा तो वहाँ पे आएगा ओवरफ्लो। मतलब ये कि हमारा स्टैक फुल है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स अब हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, और वो किसको रिफर कर रहा है, ओवरफ्लो कंडीशन को। और यहाँ पे मैसेज क्या देगा, स्टैक इज ओवरफ्लो। अब यहाँ पे बात आती है अंडरफ्लो को समझने की। अंडरफ्लो को हम जो समझते हैं तो अंडरफ्लो ऑफ स्टैक को चेक करना होता है, सेम कंडीशन वही होगी। अगर हमारा स्टैक जो है टॉप माइनस में होता है, माइनस वन होता है, तो हमारा स्टैक क्या होता है, एम्प्टी होता है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। टॉप हमारा कहाँ होना चाहिए, बॉटम साइज में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, बॉटम साइज में। तो अगर हमारा टॉप बॉटम साइज में है तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा स्टैक जो है अंडरफ्लो है। अंडरफ्लो का मतलब है खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये दोनों कंडीशन हमारी किससे पता चल रही है, टॉप ऑफ स्टैक से। एक टॉप बता रहा है हमें क्या, स्टैक हमारा ओवरफ्लो है, इसमें हम एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते। और दूसरा जो हमारा टॉप बताएगा अंडरफ्लो के लिए कि टॉप बॉटम साइज में है, जिसकी वैल्यू माइनस वन है, और वो क्या हो जाएगा वहाँ पे, अंडरफ्लो ऑफ स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया क्या, साइज ऑफ स्टैक हो गया, और स्टैक के कांसेप्ट में ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने जो भी टर्मिनोलॉजी में 5 पॉइंट्स बताएं, ये सब उन्हीं से जुड़े हुए हैं। और अगर हमें स्टैक को समझना है तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को हमें अच्छी तरह से जानना है। ठीक है, अब इसी के साथ ओवरफ्लो कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन, इन दोनों चीज़ों को हमें समझना है। तो जैसे हम यहाँ पे बताते हैं स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो की अगर हम बात करते हैं तो हम यह कह सकते हैं यह एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि हम अपने स्टैक में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अभी हमने यहाँ पे स्टैक टर्मिनोलॉजी में 5 टाइप्स इसमें पढ़े। अब यहाँ पे लास्ट बचे हुए 2 कंडीशनल इसके टर्मिनोलॉजी हैं, जो स्टैक अंडरफ्लो और दूसरा स्टैक ओवरफ्लो है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक के अकॉर्डिंग क्या इंडिकेट करता है TOC, उसी में हमने अंडरफ्लो और ओवरफ्लो कंडीशन को बताया है और समझाया भी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, जब हमने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे बता दिया और समझा दिया तो हम इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे स्टैक अंडरफ्लो की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि दिस इज द सिचुएशन व्हेन द स्टैक कंटेंट्स नो एलिमेंट्स एट दिस पॉइंट। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यह एक ऐसी सिचुएशन होती है जब हमारा स्टैक किसी भी पॉइंट से किसी भी तरह के एलिमेंट्स को ऐड या कंटेन नहीं कर सकता। ठीक है, आगे यहाँ पे हमने बताया ये अंडरफ्लो की कंडीशन की बात हम कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो ये क्या कहे, द टॉप ऑफ स्टैक इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्टैक। तो उस कंडीशन में टॉप ऑफ स्टैक क्या करता है, बॉटम ऑफ स्टैक को प्रेजेंट करता है, मतलब स्टैक के जो बॉटम साइज होती है उसी को ये हमारा स्टैक डिस्प्ले करता है और दिखाता है। कहने का मतलब क्या है कि यह कह सकते हैं कि स्टैक अंडरफ्लो एक ऐसी सिचुएशन या कंडीशन होती है जिसमें किसी भी एलिमेंट को उसमें नहीं रखा गया होता और उसमें उस बॉटम ऑफ स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए टॉप ऑफ स्टैक का यूज किया जाता है, जहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक की जो साइज होती है वो 0 या -1 होती है।
तो उस कंडीशन को यहाँ पे चेक करने पे ये हमें पता चलता है कि स्टैक हमारा अंडरफ्लो है या ओवरफ्लो है। ठीक, तो हमें एक ही बात इसमें ध्यान रखनी है अंडरफ्लो में कि हमारा स्टैक जो है जब पूर्ण रूप से इम्पटी होगा तो अंडरफ्लो है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप ये समझ सकते हैं कि एक नहर है जिसमें पानी फ्लो करता है, ठीक है। तो नहर इसलिए हम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप लोगों को इसकी ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के कांसेप्ट को समझ में आ जाए। जिस समय इसमें देखिए दो तरह के हमने यहाँ पे एक में ओवरफ्लो कर दे रहे हैं कि पानी बाहर भी बहने की कंडीशन में आ गया है लेकिन बह नहीं रहा है। एक हमने यहाँ पे लिया जो पूर्ण रूप से सूखा है, उसमें पानी तनिक भी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, ठीक है, जिसमें घास फूस ऐसा कुछ हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करिए। ओवरफ्लो ये हो रहा है कि जैसे जैसे उसमें पानी का बहाव बढ़ता है, पानी क्या है इसमें एलिमेंट्स है, क्या है एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट जैसे जैसे उसमें बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो ओवरफ्लो होती जाएगी। क्या होता जाएगा? ओवरफ्लो मतलब एकदम ऊपर ऊपर पानी बहने लगेगा नहर के, तो ये समझ लीजिए कि अब उसमें पानी और ज़्यादा नहीं छोड़ा जाएगा, तो मतलब अब एलिमेंट उसमें नहीं डाला जा सकता, तो वो ओवरफ्लो हो गया। वही सेम स्टैक में एलिमेंट्स के लिए होता है, ठीक है। जो इसकी जो टॉप की साइज होती है, जो हाइट होती है पानी के बहने की, वो हमें इसके टॉप को बता रहा है। और नहर अगर सूखी होती तो उसमें पानी सतह पर भी नहीं, एक दो फीट नीचे भी अगर आप गड्ढे करते हैं तो उसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो उसे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा टॉप ऑफ स्टैक है वो काफ़ी नीचे है, माइनस में है, तो इंडिकेट करिएगा किसको, हमारे यहाँ पे अंडर फ्लो को, ठीक है। तो ये समझ में आया, ये हो गया हमारा अंडर फ्लो। अब अंडर फ्लो के बाद हम बात करते हैं स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो में हमने दिया दिस इज द सिचुएशन व्हेन द स्टैक बिकम, यानी यह एक ऐसी सिचुएशन है जब हम स्टैक पूरा फुल होने को आता है और नो मोर एलिमेंट्स कैन बी पुश्ड, यानी तब हम क्या कर सकते हैं उस एरे में, सॉरी स्टैक में हम और एलिमेंट्स को पुश या रख नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते, जो ऑलरेडी हमने पहले ही बताया। तो स्टैक अंडरफ्लो और ओवरफ्लो क्लियर हो गया। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो ये समझिए स्टैक का कांसेप्ट आपका ये क्लियर हुआ, और इसी के साथ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी भी पूरा होता है, ठीक है। स्टैक टर्मिनोलॉजी,